अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ GT5 पाकिस्तान। तो भाई फाइनली वी आर बैक फ्रॉम मरी और आप देख सकते हैं माइकल इस वक्त शीशे में देख कर इंजॉय कर रहा है और इस वक्त ये तैयार होकर बाहर जा रहे हैं। तो भाई फाइनली हमने डिसाइड कर लिया है कि हम जिम की शादी कर रहे हैं और आज के बाद हम उसी की प्रिपरेशंस करेंगे। तो अभी हम बाहर जाएंगे और आज जो हम करेंगे तो आपने मेरी हेल्प करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। और दूसरा तो अब हमने जाना है, सबसे पहले तो आज हमने क्या करना है कि हमने लॉस सैंटोस में कोई शादी हॉल ढूंढना है इवेंट कराने के लिए, जो वलीमा होगा या बारात। तो उसका तो मैंने सरप्राइज़ रखा हुआ है, लेकिन वलीमा हमने किसी शादी हॉल में करना है लॉस सैंटोस में। तो उसके लिए हमने लॉस सैंटोस में आज जाकर कोई शादी हॉल ढूंढना है। और दूसरा ये आपने जो मेरा हेल्प करनी है वो ये है कि भाई बारात के लिए मैं कौन सी गाड़ियाँ तैयार करूँ, उसमें आपने मेरी हेल्प करनी है। पहले मैं आपको अपनी गाड़ियाँ दिखा रहा था जो इस वक्त मेरे पास घर में मौजूद है। ये VXR V8 है, इसको तो साइड पे कीजिए, होंडा इलांट्रा है हमारे पास। तो गैरेज में तो ये दोनों गाड़ियाँ हैं, इनको भी हम तैयार कर सकते हैं, आपने भी नहीं बताना। बाहर जाते हैं तो भाई आज हमारे पास न्यू किया स्पोर्टेज आई है रेड कलर के लिए, अब इस वीडियो के लिए सिर्फ आई है रेड कलर की, क्योंकि आज हमने शादी का जो है तो डिसाइड किया है तो भाई रेड कलर बनता है। अरे भाई हमारी जो टोयोटा करोला है उसकी लाइट्स ऑन रह गए हैं। अच्छा ये स्टार्ट पड़ी है, सुबह के वक्त अक्सर वो जिमी से माइकल कह देता है कि सारी गाड़ियाँ स्टार्ट करो, तो उसने ये शायद कुली छोड़ी है। तो भाई हमारे पास एक और भी गाड़ी है, वो लेफ्ट साइड पे हमारा जो गैराज है उधर खड़ी होती है वो रही, और वो है अभी आप देख लेंगे टोयोटा फॉर्च्यूनर है। तो इसको भी मेरे ख्याल में हम कर सकते हैं डेकोरेट बारात के लिए, बिल्कुल सही तरीके से हमने काम करना है भाई, आप देख लेंगे, आपने इंजॉय करना है। बस सिर्फ आपने मुझे बताना है कि कौन सी गाड़ियाँ कर लें हम, आपने मुझे बताना है। अच्छा अभी मैं आपको बता देता हूँ, अभी सिर्फ ये गाड़ियाँ हमारे पास घर में, इसके अलावा हम कौन सी गाड़ियाँ कर सकते हैं। कुछ गाड़ियाँ तो मैं आपको सरप्राइज़ दूंगा और कुछ गाड़ियाँ आपने मुझे बतानी है, कमेंट से मैं पिक करूंगा। तो फॉर एग्जांपल टोयोटा ग्रैंडी हो गई, होंडा सिविक हो गई, होंडा इलांट्रा हाँ वो भी हो सकती है, लेकिन करोला और सिविक ये दोनों हो जाएगी। एक आप मुझे SUVs में से बताएं, मतलब V8 कर ले, LX570 कर ले या जॉन सी कर ले, आपने मुझे बताना है, या किया स्पोर्टेज में कर लूँ या बता, आपने मुझे कमेंट से बताना है, मैं कमेंट से एक गाड़ी पिक करूँगा, एक नहीं दो तीन गाड़ियाँ मैं पिक करूँगा कमेंट से। तो बारात हमने बहुत धूमधाम से करानी है और उसके बाद वलीमा, तो वलीमा के लिए तो हम अभी से मैंने एक देखा हुआ है यहाँ पे, एक नहीं बल्कि मैंने दो तीन शादी हाल लॉस सैंटोस में देखी हुई है। तो लेट्स गो भाई, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने मुझे कमेंट्स में बताने की कौन सी में हम फाइनल कर ले फिर ये इवेंट। सबसे पहले तो हमें फ्रैंकलिन को पिक करने जाने, क्योंकि उसका एक दोस्त है जिसका शादी हॉल है, तो उधर भी हम चले जाते हैं। हमने खुद भी एक मैंने देखा हुआ है लॉस सैंटोस में, तो वो भी देखेंगे, मतलब माइकल ने, लेकिन फ्रैंकलिन का दोस्त है उसका भी एक वो है शादी हॉल है, तो उसको भी चलते हैं भाई, उसके पास भी चलते हैं, कोई डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम फ्रैंकलिन को पिक करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे उसके वाले शादी हॉल पे, उसके बाद मैंने जो देखा हुआ है उस पे जाएंगे। तो भाई फ्रैंकलिन को तो हम पिक करने आ गए हैं, भाई गाड़ी हमसे लग गई मेरे ख्याल में, यार ऐसी थी डेंट्स वगैरह पड़े हैं या ये कीचड़ है, चलो इसको देख लेंगे बाद में। तो भाई कैसी लगी आपको किया स्पॉटेज, हाँ भाई जान कैसे हो यार फ्रैंकलिन, तो इसकी भी हमने शादी करानी है, इस बेचारे की भी शादी नहीं हुई, और जिमी की शादी कर ले तो नेक्स्ट शादी इसकी करें या ट्रेवर की कर ले, इसकी बेहतर होगी, ट्रेवर का क्या करना है यार। ये जो क्या स्पॉटेज है ना, इसका आज मज़ा आ रहा है यार, इस पर आज इसकी ये आवाज़ जो है ना, इसका आज मज़ा आ रहा है, इसका इंटीरियर मुझे बहुत बेहद पसंद है। तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें,
और यही करीब एक शादी वाले, यही इसी जगह पे, बल्कि ये सामने जो है ना यही है, तो इसको देख लेते हैं, उसके बाद अपने वाले को देखेंगे। तो ये जो शादी, अच्छा इसका मेन एंट्रेंस जो है वो दूसरी साइड पे, वहाँ एक गाड़ी का पार्किंग भी है। तो गाड़ी की जो पार्किंग है वो इधर से है मेरे ख्याल में, हाँ भाई यही है। तो ये जो है ना, ये मुझे फ्रैंकलिन ने बताया था, इसका कोई फ्रेंड है, उसकी है ये शादी आज। तो इधर भी हम करा सकते हैं इवेंट, इसको चेक करते हैं अंदर से। अच्छा ये तो गाड़ियों की पार्किंग होगी, मेन जो हम बारात वाली गाड़ी है वो दूसरी साइड पे भी खड़ी कर सकते हैं। और इसको, अच्छा मेन जो बैठने की जगह है वो सारी जगह भी हम देख लेते हैं, अपनी गाड़ी को यहाँ पार्क कर लेते हैं, तो फिर देखते हैं। मेन किया स्पॉट है, आज बेहद चमक रही है। तो दो तीन शादी हॉल्स मैं आपको दिखाऊंगा, और आपने मुझे बताने की कौन सी वाली में हम इवेंट जो है ना डन करें फिर। और बारात की गाड़ियों की भैया बिल्कुल फिक्र ना करें, मैंने इससे पहले भी कमेंट्स पढ़े हुए। तो ये जगह है भाई, वैसे प्यारी तो है, कोई इतनी सादी जगह भी नहीं है और इतनी बड़ी वाली भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल ही है, जिस तरह मुझे पसंद होती है। तो क्या करें भाई, इसी जगह को डन करें या दूसरी जगह जगह भी देख लेते हैं, दूसरी जगह भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर डिसाइड कर लेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो चलिए भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट मंजिल की तरफ, और यहाँ से निकलते हैं। तो आपने मुझे बताना है भाई, जो 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 आपसे मैंने मदद मांगी है कि बारात के लिए कौन सी गाड़ियाँ रखूँ, और इसके अलावा शादी हाल सभी हम देख रहे हैं, तो देखते हैं ये वाली फ़ाइनल करते हैं या जो दूसरी वाली वो वाली फिर फाइनल करते हैं। आपने भाई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और साथ में शेयर भी करना है, क्योंकि हमारे साथ एक मसला हो गया था, हमने बहुत ज़्यादा ब्रेक ले लिया था वीडियोस के दरमियान, पर मेरे ख्याल में 2-3 महीनों का ब्रेक ले लिया था, इसकी वजह से लाजमी बात है चैनल का फ्लो तो ख़राब होना था। इसलिए भाई हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कीजिए आराम से यार। चलो भाई गाड़ी के, तो अच्छा एक ये जगह है, ये जगह है, लेकिन ये बंद है यार, इसलिए मतलब खुली जगह नहीं है। तो एक ये भी जगह है, बहुत बड़ी जगह है, प्यारी भी है। तो आपने बताना है भाई, फर्स्ट डेस्टिनेशन हमारी वो थी, सेकंड ये है, और थर्ड हम अभी जा रहे हैं वहाँ पे। तो आपने मुझे बताना है कि कौन सी में हम डन करें फिर इवेंट। वलीमे का इवेंट हमने उधर कराना होगा, और जो दूसरा है क्या कहते हैं बारात, बारात का तो आप मुझ पर छोड़ दें, सरप्राइज़ है। या बहुत सारे हॉल्स हैं लेकिन वो छोटे छोटे हैं, और हमारा जो वलीमे का इवेंट होगा वो थोड़ा बड़ा होगा। नहीं ये जगह तो नहीं है, खैर बारात का हम ऐसे करेंगे, या तो घर पे ही छोटा सा इवेंट कर लेंगे, मतलब बारात तो घर पे ही आएगी, या फिर हम वो मेरी तरफ से आप सबको सरप्राइज होगा। और जो वली में का है तो वो, अच्छा एक यहाँ भी जगह है, इधर ऊपर हम जाएंगे, इधर एक बहुत ही बड़ा होटल है जिसमें हम करा सकते हैं इवेंट, ये वाला, ये जगह है। ये है वो जगह, तो इधर भी हम करा सकते हैं, और ये भी अच्छी जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है। तो भाई आपने मुझे बताना है कमेंट्स में, सबसे पहले तो आपने मुझे ये बताना है कि बारात के लिए मैं कौन सी गाड़ियाँ रखूँ। घर में जो हमारे पास गाड़ियाँ थी उसमें टोयोटा करोला थी हमारे पास, फॉर्च्यूनर थी, V8 थी, होंडा एलांट्रा थी, और ये स्पॉटेज भी है। स्पॉटेज हम फिर बारात में अगर रखेंगे तो वाइट रखेंगे, ब्लैक नहीं रखेंगे। बारात में सारी गाड़ियाँ मैं कोशिश करूँगा कि वाइट हो, ब्लैक ब्लैक भी चलेगी लेकिन वाइट बहुत अच्छी होती है ना। तो यही था भाई आज के लिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।